क्लोज आने देना, बिल्कुल आने दे, पूरा अंदर घुसने दे। मिस किया, पागल है क्या, मजाक थोड़ी चलता है। ऐसे ऐसे टाइम में मजाक कर देते हैं लोग इधर, मतलब तू यार मजाक थोड़ी है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो क्रॉसर पे होने वाली है। मैंने एक पोल डाला था कि किस पे आपको वीडियो चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों ने 60% लोगों ने कहा कि उन्हें क्रॉसर पे वीडियो चाहिए, तो मैं लेके आ चुका हूँ क्रॉसर पे वीडियो। अब इसमें मैं मेनली बात करने वाला हूँ कुछ आपकी मिस्टेक्स की, ज़्यादा मिस्टेक्स की बात नहीं करूँगा, सिर्फ 2-3 मिस्टेक्स की बात करूँगा। और वो 2-3 मिस्टेक्स इतनी बड़ी मिस्टेक्स है कि आप हर बार उसमें मरते होंगे। और मैंने काफ़ी लोगों को वही यूज़ करता है। जब भी मैं 1v4 खेलता हूँ, जब भी मैं सोलो स्क्वाड खेलता हूँ, तो मैं ज़्यादातर लोगों को यही मिस्टेक करते हुए देखा है, जिसकी वजह से मैं आसानी से 1v4 कर देता हूँ, मेरे को एडवांटेज हो जाता है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कैसे आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपने गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेनली इसमें चीज़ें आने वाली है आपका कवर से रिलेटेड, आपका आईक्यू से रिलेटेड, तो एग्जांपल के साथ आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को बहुत बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। और सॉरी भाई, वीडियो बहुत लेट आ रही है क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं, मेरे पेपर आने वाले हैं और मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा, ना ही खेल पा रहा हूँ अच्छी तरह से। तो सॉरी गाइस, बहुत बहुत सॉरी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक ऐप है जिसमें आप तरह तरह गेम खेल के असली पैसा कमा सकते हो। इसमें आप काफ़ी सारे गेम खेल सकते हो, बास्केटबॉल वगैरह वगैरह, जिसमें आप इजीली अपने पैसे कमा सकते हो और इसे पेटीएम के थ्रू रिडीम कर सकते हो। इसमें रजिस्टर करना बहुत ही आसान है, आपको बस जाना है, अपना नंबर वेरीफाई करना है और आप ट्रू कॉलर से भी इसे वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कीजिए और तरह तरह के गेम खेलिए। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है इसमें, इसका रेफर कोड विंजो सुपरस्टार, जिसमें आप अपने दोस्तों को रेफ़र करके, अपने फैमिली मेम्बर्स को रेफ़र करके आराम से पैसे कमा सकते हो। और इस बाकी के टास्क को कंप्लीट करके आराम से आप अर्निंग कर सकते हो और इसे पेटीएम के थ्रू निकलवा सकते हो। तो बहुत अच्छा ऐप है, अभी जाके यूज़ कीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब बात करते हैं क्या क्या आप मिस्टेक्स करते हो कवर में रहते टाइम। तो पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं लोगों को देखता हूँ वो है कवर, कि लोग इस कवर होने के बावजूद वो कवर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रश कर रहा हूँ या कोई भी बंदा रश कर रहा है आप पर, आपके पास TPP है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने जॉयस्टिक से बाहर की तरफ भागने लगते हैं, ना कि कवर का यूज़ करते हैं। कवर का अच्छा यूज़ करते ही नहीं है लोग। मैंने काफ़ी बार कितने लोगों को देखा है, कितने लोगों को रश किया है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि कवर से बाहर आ जाते हैं और मेरे को चांस मिल जाता है उनकी पूरी बॉडी से उनको मारने का, और वो ईजिली डेड हो जाते हैं। ऐसी उनकी पूरी स्क्वाड ले जाता हूँ मैं। अब जैसे आप देख सकते हो, इस गिली वाले बंदे के पास जो भी अभी निकला, इसके पास TPP है। TPP चाहता तो TPP के पास रह सकता था, लेकिन देखो कितना ज़्यादा ऊपर में आ रहा है कि मेरे टीममेट्स को इजीली मौका मिल जाए इसे मारने के लिए। इसका MK14 है, ये चाहता तो हम दोनों को मार सकता था कवर में रह के, लेकिन इसने नहीं किया। अब इसका दूसरा बंदा भी देखिए, इसके बाद TPP है। अब मारते मारते देखिए रोड तक पहुँच गया। अब देखिए अब रोड तक पहुंच गया, जबकि चाहता तो ये TPP लेते कवर में रह के मुझे मार सकता था, ताकि मेरे टीममेट्स का कवर नहीं आता, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो ओपन में आना है, इनको कवर का यूज़ नहीं करना है। तो सबसे ज़्यादा मेन थिंग आपको याद रखनी है कि कवर का यूज़ करना है। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ मैंने कैसे कवर का यूज़ किया। अब मैंने इस बंदे पर रश नहीं किया क्योंकि मुझे पता था उसके पास वेक्टर है और वो मुझे इजीली मार देगा वेक्टर से, और वेक्टर का फायर रेट इतना है कि मैं कहीं नहीं टिकने वाला उसके सामने। तो मैंने वेट किया, उनके आने का वेट किया, उनकी स्क्वाड थी। तो अब ये आया बंदा, अब जैसे मैंने देखो कवर के पास पास रह के मूव एंड शूट करके उसे मारा। मैं चाहता तो ओपन में आता तो और गोलियाँ मार सकता था, उसके टीममेट का कवर रह सकता था, लेकिन मैंने वो सब अवॉइड करने के लिए जस्ट कवर के पास पास मूव एंड शूट किया और उसे मार दिया। अब जैसे देखिए मैंने इसमें मारा। तो आप कवर का यूज़ ही नहीं करते, जबकि आपको बहुत ज़रूरी है कवर का यूज़ करना। अगर आप कवर का यूज़ नहीं करोगे तो ऐसे ही मरोगे, फिर आप कहोगे मेरा क्रॉसर अच्छा नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कवर का यूज़ करना आना चाहिए सही वक्त पे। कहाँ आपको कैसे कवर का यूज़ करना है, कहाँ आपको मूव एंड शूट करना है, कहाँ आपको मूव एंड शूट नहीं करना है, ये सब आपको खुद से समझना पड़ेगा। मैं आपको कितनी बार कहता हूँ TDM खेलिए, TDM में सब पता चलता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो, उसे एनालाइज़ कीजिए और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लासिक में अप्लाई कीजिए। तो यही था कि जो आप सबसे बड़ी गलतियाँ करते हो कि कवर का यूज़ अच्छे से नहीं कर पाते हो, और फिर आप कहते हो कि मेरा क्रॉसर अच्छा नहीं हो रहा, मैं मूव शूट नहीं कर पाता। तो अब सवाल ये आता है कि कवर का अच्छे से यूज़ कैसे करना है। तो ये मैं आपको ट्रेनिंग में बताता हूँ कि कैसे आप कवर का अच्छी तरह यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप अपने आराम से 1-2 बंदे ले जा सकते हो, आराम से खुद को बिना डैमेज दिए सामने वाले को मार सकते हो। तो चलते हैं, मान लीजिए आप एक दीवार के कवर पे हो और सामने से बंदे रश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आप बेसिकली आप ये करते होगे, जो कि मैंने काफ़ी लोग गलती करते देखा है कि वो ये ऐसे ऐसे मारने लगते हैं और एक ही साइड से भागते हैं और ज़्यादा नहीं तो इतना ओपन में आ जाते हैं और जब तक मारते हैं जब तक बंदा मर नहीं जाता। अब इससे दिक्कत क्या होती है कि अगर आगे दो तीन बंदे हैं तो आप एक को मार दोगे लेकिन बाकी दूसरे तीसरे से मर जाओगे। तो आपको इस जगह पे करना क्या है, मान लीजिए बंदा इधर तक पहुंच गया है, इधर तक मान लीजिए बंदा पहुंच गया है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा पीछे हटना और इसे मारते मारते ऐसे मारते मारते आना है आपको। ऐसे मारते मारते वो आगे बढ़ता रहेगा, आप उसके कवर में आना है। इससे क्या होगा कि अगर उधर बंदा कोई एडीएस दे रहा होगा, इधर कोई बंदा एडीएस दे रहा होगा, तो वो आपको टच भी नहीं कर पाएगा। आपको ऐसे मारना है। मेरे काफ़ी वीडियोस पे देखा होगा आप कि मैं ऐसे ही मारता हूँ। ऐसे स्क्वाड क्लच भी होता है, क्योंकि अगर आप पे बंदे रश कर रहे हो और आप ऐसे मारोगे तो अगर आप सामने कोई बंदा नहीं भी होगा तो जो भी बंदा इधर खड़ा होगा, जो भी बंदा इधर से खड़ा होगा, वो उसे पता है तुम्हारी लोकेशन, वो आपको प्री फायर देगा। अगर तुम सामने आ जाओगे तो प्री फायर में आपको हाफ एचपी हो जाएगा। तो अगर आप उसे नॉक भी कर दोगे तो हाफ एचपी में आप बाकी के तीन बंदे नहीं मार सकते। तो आपको एक भी डैमेज नहीं लेना, बिल्कुल भी डैमेज नहीं लेना। और आप दूसरा चीज़ कवर के साथ ये कर सकते हो, अगर आप एक ही बंदा सामने से रश कर रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली उसे इतना सा टैग देना है। अब ये चीज़, ये गोलियां जितनी मैंने अभी मारी, ये गोलियां सारी उसे लगनी चाहिए। अब जैसे उस पर गोलियां लगी, वो तीन चार गोलियां खाया, वो 60-70 HP हुआ, फिर उस पर कर देना जंप और बस वो डेड। अब आप पहले ही जंप करोगे तो वो आपकी पोजीशन प्रेडिक्ट करके, अपनी पोजीशन बदल के वो इजीली आपको मार सकता है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ी गोलियां मारने देनी पड़ेगी ताकि वो थोड़ा पैनिक हो जाए और उसकी सारी गोलियां मिस हो जाए। तो ये आप इस तरह से आप अपने कवर का बिल्कुल यूटिलाइज़ कर सकते हो ऐसे मारते हुए। अब आपको सीखना कैसे, बस कवर में आ जाइए और ऐसे मारिए। अब लोग प्रॉब्लम हो गई जॉयस्टिक की, कि वो जॉयस्टिक जैसे ही पकड़ेंगे जॉयस्टिक कहीं भी भागेगी उनकी। तो जॉयस्टिक के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मेरी जॉयस्टिक का मैंने पता डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, एक बार मैंने जॉयस्टिक का बना दिया और वही मेरा अभी तक चल रहा है। तो आप वही जॉयस्टिक का अपना रख सकते हो। कंट्रोल मेरा है 90, तो आप 90 से सिलेक्ट कर सकते हो और 90 यूज़ कर सकते हो। अब ये वीडियो एक परफेक्ट एग्जांपल होने वाली है कवर यूज़ करने के लिए, कि किस तरह मैंने कवर यूज़ करके 4 1v4 क्लच कर दिया और किस तरह मैंने थोड़ा आईक्यू लगाया, थोड़ा क्रॉसर से पूरा स्क्वाड क्लच हो गया। इसमें होता क्या है कि सामने 4 बंदे होते हैं और एक बंदा मुझ पर रश करता है, तो मैं उसे 2 बार डैमेज देके उसे नॉक कर देता हूँ। फिर मेरे को पीछे से साउंड आता है, पीछे से बंदा आ रहा है, तो मैं उस तरफ टीपीपी लेके और पीछे की तरफ अपना जॉयस्टिक उसे खींच के उसे नॉक कर देता हूँ। तीसरा बंदा मुझ पर रश करता है तो उसे भी एक हेडशॉट 2 हेडशॉट मार के मैं नॉक कर देता हूँ। लास्ट बंदा क्राउच किया होता है तो उसे जस्ट मैं मार देता हूँ। अब मैं आपको स्लो मोशन बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था। कि जैसे ही मैं अंदर घुसा, मुझे फुटस्टेप्स आए कि सामने 2 बंदे हैं। अब फुटस्टेप्स आए और एक बंदा उसको ज़्यादा चुल मार रहा था, अब वो मुझ पर रश कर देता है, तो मैं उसे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ क्योंकि वो लेफ्ट से आ रहा है, तो मुझ पर अगर पहुँच गया तो मेरे को डैमेज दे सकता है। तो मैंने उस पर थोड़ा डैमेज पहले दे दिया, फिर 2-3 गोलियाँ मार के उसे नॉक कर दिया। अब पीछे से कवर फायर आ रहा था, इसलिए मैं बाहर नहीं निकला, अंदर ही अंदर उसे मार दिया। तो इस तरह मैंने पहली बार कवर यूज़ किया। अब दूसरी बार मैं उधर ओपन में आया और सोचा शायद वो मुझे वेट करके ओपन में आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। अब होता क्या है, मुझे साउंड आता है कि पीछे से बंदा आ रहा है, तो अब मैं पीछे से, मुझे बचाने अपनी गोली की मुझे पीछे से डैमेज ना पड़े, तो मैं कवर के साथ ही इधर तक पहुंचता हूँ, उसे मारते मारते थोड़ा पीछे की तरफ आता हूँ और लास्ट गोली से हेडशॉट लगती है और वो नॉक हो जाता है। तो इस तरह से मैंने उसे मारा। अब इस वाले को भी एक हेडशॉट पड़ता है और मुझे लगता है नॉक हो गया, लेकिन वो नॉक नहीं हुआ था। फिर मैं वापस जाके गन स्विच करके उसे एक और हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। अब इस वाले बंदे को मैंने देखा यहाँ है, तो पहले मैंने राइट से देखा, फिर लेफ्ट से जाते जाते उसे मार दिया। और जब मैंने उसे मारा तो देखिए मेरा अपना जो क्रॉसर है, जो मैंने अपना जॉयस्टिक है, वो मैंने कवर की तरफ खींच रहा था। तो इस तरह से 4 बंदों को मैंने कवर के थ्रू ही मारा है और इजीली क्लच कर दिया एक स्क्वाड। तो आपको कवर का इतना इंपॉर्टेंस है ना, कवर की इंपॉर्टेंस कभी मत भूलना। हमने कवर की बात तो बहुत कर ली, अब करते हैं रश की बात, कि आप टीपीपी को कैसे रश कर सकते हो। पहली बात तो टीपीपी को रश करना रिस्की है, काफ़ी रिस्की है, क्योंकि होता क्या है कि सामने वाले का टीपीपी है और वो भी इतना नूब नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल में तो बिल्कुल भी आप कर ही नहीं सकते टीपीपी रश, जब तक आपके पास टीममेट्स का कवर, या फिर आपने उसे नेड करके लो नहीं किया है, या फिर आपने उसे पहले ही कुछ गोली नहीं मारी, या उसके पास कोई डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको उसे रश करना है तो आपको किस तरह से आप सही रश कर सकते हो, क्योंकि लोग रश करते भी हैं तो गलत तरीके से, वो अपने जॉयस्टिक का यूज़ नहीं करते, वो अपने क्रॉसर का नहीं करते सही तरीके से, और जाके नॉकआउट हो जाता है और फिर बोलते हैं भाई टीपीपी ले रहा था, भाई कैंपर, भाई। तो ये सब अवॉइड कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बिल्कुल सही रश करना है। हालांकि 100% ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि टीपीपी के अगेंस्ट जाना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक बच सकते हो अगर सामने वाला गलतियाँ करेगा तो चलते हैं उस चीज़ की तरफ। चलते ट्रेनिंग में मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको रश करना है किसी बंदे पे टीपीपी के अगेंस्ट। अब आपको एक बिल्कुल सही रश बताता हूँ, जो कि मैं हर चीज़ में यूज़ करता हूँ। मैं आपको अपने एग्जांपल्स में बताऊँगा। मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट राइट जाता हूँ, पहले तो क्राउसर इधर रखता हूँ, फिर लेफ्ट राइट जाके जैसे ही बंदा पॉपअप करता है मैं ऐसे कवर की तरफ आने लगता हूँ और धीरे धीरे अब खुद को मूवमेंट देता हूँ। अब धीरे धीरे मूवमेंट देने से दो फायदे होंगे। पहली बात, आपका क्रॉसहेयर ख़राब नहीं होगा क्योंकि आप धीरे धीरे मूवमेंट दे रहे हो, तो आप जहाँ आपका वो है ना क्रॉसहेयर वहीं आपका लगेगा। जैसे मैं दीवार पे मार रहा हूँ, जहाँ आपका वो तो आपका क्रॉसहेयर नहीं ख़राब होगा। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, जब आप दीवार की तरफ जैसी आप राइट जा रहे हो और जैसी वो निकला आप लेफ्ट मुड़ गए, तो उसका जो मूवमेंट है ना वो सोच रहा होगा इधर से निकलेगा वो प्री फायर देगा, तो उसका पूरा ख़राब हो जाएगा, उसका पूरा जो एम है वो ख़राब हो जाएगा क्योंकि आपने उसे अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट दी है। तो इससे उसकी एक दो गोलियां कनेक्ट होंगी और वो इजीली नॉक हो जाएगा। और अगर वो मान लीजिए इधर से नहीं निकलता है तो आप सीधा उस पर जंप मार दीजिए, वो बंदा इजीली डेड है। तो ये आप टीडीएम में ट्राई कर सकते हो। कोई टीवी भी ले रहा है तो आप बिल्कुल क्रॉस से रखिए और जैसे बंदा पॉपअप कीजिए ऐसे मारने लग जाइए उसे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं इसे हर बार यूज़ करता हूँ। मैं आपको उसमें गेम में दिखाता हूँ कैसे इसे यूज़ करना है। तो वैसे तो रश नहीं करना चाहिए टीपीपी के अगेंस्ट, आप उस पर या तो नेड कर दीजिए कुक नेट बिल्कुल और उसे लो कर दीजिए, या फिर आप प्री नेट करके उसे टीपीपी से हटा दीजिए और फिर उस पर ऐसे रश कीजिए। तो जैसे नेट फटेगा वो लो होगा या उसके साउंड जाएगी और आप उसे इजीली मार दोगे। तो आप ये सब यूज़ कीजिए, या स्मोक कर दीजिए ताकि उसके आप क्लोज़ आ जाएं और फिर क्लोज़ में आके आप उसे क्रॉसहेयर से 1v1 लेके मार दीजिए। तो ये सब आप ट्रिक्स यूज़ कीजिए। मेरी मानो तो आप रश मत कीजिए या फ्लैंक कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए लेकिन रश मत कीजिए। लेकिन आप रश करना है तो ये बेस्ट तरीका है रश करने के लिए। तो दिखाता हूँ आपको एग्जांपल्स में, तो लेट्स गो। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, मुझे पता है दीवार के उस साइड बंदा है, तो मैं क्या करता हूँ जैसे ही बंदा पॉपअप करता है, देखिए जैसे बंदा पॉपअप किया मैं तुरंत खुद को दीवार की तरफ ले गया, फिर लेफ्ट ले गया, फिर राइट ले गया, बिल्कुल स्लो मूवमेंट दिखाई और बंदे को इजीली मार दिया। इसके साथ भी मैंने वही किया, जैसे आप देख सकते हैं स्लो मोशन में मैं जा रहा हूँ। अब जैसे ही बंदा, देखो मेरा क्रॉसर उधर ही है उसके मुँह पर, अब जैसे ही बंदा पॉपअप किया मैंने खुद के जॉयस्टिक को देखो लेफ्ट की तरफ खींच दिया पूरा। जब आप मेरे जॉयस्टिक पे फोकस करोगे पूरा लेफ्ट की तरफ खींच दिया है और लेफ्ट तक खींच के फिर हल्का सा राइट ले गया। तो मैंने अपनी मूवमेंट बिल्कुल जिगल वाली नहीं की, बिल्कुल स्लो मूवमेंट की है और उस बंदे को ईजिली डाउन कर दिया। तो ऐसे आप कर सकते हो। आपको अपना क्रॉसर ख़राब नहीं करना है, सामने वाले करना है। आप ज़्यादा मूवमेंट देके अपना क्रॉसर ख़राब कर लेते हैं और अपना जो एम है वो ख़राब कर लेते हैं और जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। तो होप आप समझ गए होंगे कि आप क्या गलतियां करते हो क्रॉसर के समय। तो हाँ, होप आप इसे सही कर लोगे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आप ये गलतियाँ करते थे। और गाइज डू चेकआउट माई इंस्टा, मैं उधर डेली बातें करता हूँ, डेली मेरे अपडेट्स देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो का अपडेट वगैरह और काफ़ी क्लचेस उधर मैं दिखाता हूँ। तो ज़रूर मेरे इंस्टा पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, हम ज़रूर उधर बातें करेंगे। और थैंक्स गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और विंजो ऐप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत अच्छा ऐप है रियल मनी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।